भारत माता की। भारत माता का जयकारा जोरदार होना चाहिए। सभी दोनों मुट्ठी भींच कर ऊपर हाथ करके जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी हमें कुछ ही क्षण हमारे बीच में पधारेंगे और इतना बड़ा जन सैलाब के रूप में आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हो। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत इसलिए करने आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पिछले 9 साल के अंदर जो देश के लिए जो काम किया, वो काम भूतो न भविष्यते। आज देश आगे बढ़ रहा है और लगातार तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था, उन लोगों ने जिन्होंने सपना देखा था कि मेरा भारत आने वाले समय में विकसित होगा, भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, विश्व गुरु बनेगा, भारत आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश बनेगा। लेकिन इस देश के अंदर जिन लोगों ने शासन किया, उन लोगों ने 60-65 साल जिन्होंने हुकूमत की, उन्होंने ना तो जनता के गरीब जनता की ओर देखा, ना उन्होंने गरीब किसान की ओर देखा, ना गांव की तरफ देखा। उन्होंने तो सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने का काम किया। देश के अंदर ऐसी योजनाएं बनाई जिनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि पहले हमारे कैसे तिजोरी भरी जाए। इस तरह से देश के अंदर उन लोगों ने शासन किया। देश के बाद उसके बाद कुछ समय बाद जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में देश के अंदर काम शुरू हुआ। इसको कोई एक उम्मीद जगी कि वास्तव में देश के अंदर काम भी कोई चीज होती है क्या, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लेकर और किसानों के लिए किसानों के फसल बीमा और KCC प्रारंभ करने का विषय हो। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के लिए, चाहे गरीबों के कल्याण की योजना हो, चाहे किसानों के लिए, जिस तरह से जीवन में परिवर्तन करता हुआ मैं आज आपके सामने देख रहा हूं। हम सब जानते हैं कि जिन लोगों ने 60 साल शासन किया, उन्होंने किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, किसानों के लिए उन्होंने बजट का भी प्रावधान नहीं किया। हम यहाँ पर बैठे हैं उसमें से लगभग 80% हम यहाँ पर किसान बैठे हैं और देश की आबादी का 70% किसान है। लेकिन कृषि का टोटल बजट मात्र और मात्र 22,000 करोड़ रुपए था। क्या 22,000 करोड़ से देश चल सकता है कृषि का? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने कृषि का बजट बढ़ाया और जो 22,000 करोड़ रुपए था वह बढ़कर आज 2,25,000 करोड़ रुपए करने का काम किया, जो लगभग 5.5 गुना वृद्धि हुई है। वहीं पर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना बनी, किसानों का सम्मान कैसे हो, और किसानों के लिए लगभग 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में आज किसान सम्मान निधि के तौर पर, डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर सीधा किसानों के अकाउंट के अंदर 2,43,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट के अंदर पहुंचाने का काम हुआ। पहले तो कहते थे हम तो 100 रुपए भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते 15 रुपए पहुंचते हैं, लेकिन आज किसान सम्मान निधि का पैसा वहां से जितना भेजा जाता है सीधा किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है। वहीं पर 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खुद की प्रोसेसिंग सॉर्टिंग ग्रेड की यूनिट लगे। इस तरह से किसानों के लिए देखा जाए तो आज 10,000 FPO हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए देकर गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का काम किया जा रहा है। सोयल हेल्थ के कार्डों की अगर संख्या की बात करें, इस सरकार ने कभी किसानों की सोयल हेल्थ की चिंता भी नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 23 करोड़ किसानों के हाथों में सोयल हेल्थ कार्ड देने का काम किया। MSP पर खरीदने का लागत से 1.5 गुने पर सरकार ने काम किया। जहां लागत MSP की अगर मैं बात करूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर
ये हम सब जानते थे, हमने नारे भी लगाए, जनता ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करो। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की 202 रिकमेंडेशन थी वो पूरी की पूरी स्वीकृत की गई, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया। लेकिन MSP का विषय था, जब स्वामीनाथन जी ने वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर वो लागत से 1.5 गुना करने का जो निर्णय था, उस लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय को, उस रिकमेंडेशन को उन लोगों ने उस समय अंतर मंत्रालय की कमेटी बनाकर UPA की सरकार में खारिज करने का काम किया था कि किसानों को लागत से 1.5 गुना पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे बहुत कहते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने उस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए और लागत से 1.5 गुने पर MSP पर किसानों को देने का काम किया जा रहा है। आज रिकॉर्ड खरीद की जा रही है, आज उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो लगातार किसानों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। आज किसानों की बात करते हैं तो जहां पर पहले जो उत्पादन होता था 265 मिलियन टन होता था, वह आज 336 मिलियन टन होने लगा है। आज लगातार खरीद भी लगातार वृद्धि हो रही है। मुझे कहते हुए खुशी है कि जहां पर दूसरे उत्पादनों में दुगना की दर से दुगना खरीद करने का काम किया, वहीं पर दलहन और तिलहन में लगभग 100 गुना वृद्धि की गई है खरीद के अंदर। इस तरह से देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी लाना हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, इस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे मैं गिनती करूं तो कितनी गिनती करके बता सकता हूं। ये मोदी जी के 9 साल के अचीवमेंट सिर्फ कृषि के अंदर ही सुबह से शाम हो जाए इतने काम हुए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो जनता के साथ में राजस्थान की जनता ने सरकार ने किसानों के साथ जो धोखा किया है वो कभी किसान माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स ईयर प्रारंभ किया, श्री अन्न के रूप में सब जगह जिस तरह किसानों को देने का काम किया जा रहा है कि श्री अन्न के माध्यम से देश के छोटे किसानों को लाभ होगा, बाजरा ज्वार रागी। लेकिन यही राजस्थान की सरकार जहां पर बाजरे को प्रमोट करने का भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार के सामने किसान और भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रही कि MSP पर बाजरे को खरीद की जाए, लेकिन इन लोगों ने बाजरे की खरीद MSP पर नहीं करने के लिए भारत सरकार को चिट्ठी भी नहीं लिखी। और इसके साथ ही मैं आपसे यह भी कहूं कि उन्होंने किसानों से कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का जो वादा था वो भी पूरा नहीं किया। आज राजस्थान के किसान है जो जमीन उनकी नीलाम हो रही है ऋण की वजह से, उसके लिए उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्थान की जनता के साथ तो किया ही किया, लेकिन उन्होंने गाय गो माता को भी नहीं बख्शा। जिस तरह से लंपी की बीमारी आई और उस लंपी की बीमारी के अंदर आज यहाँ पर लाखों गाय मर गई, भारत सरकार ने सारी वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, ऐसा फंडिंग राजस्थान सरकार को दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ केंद्र के ऊपर थोपते रहे और उसकी वजह से यहाँ पर लाखों गायें मर गई। ये लाखों गायों का पाप इनको कभी माफ नहीं करेगा, निश्चित रूप से राजस्थान की स्थिति बनी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये भूकान है। आज ये प्रधानमंत्री जी हमारे सुशासन के जिस तरह से यहाँ पर आज 9 साल पूरे होने के पर हमारे बीच में पधार रहे, निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में काम हुआ है, आज देश तरक्की कर रहा है, भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ रही है, हमारे गरीबों को भी निश्चित रूप से और किसानों का जो सम्मान बढ़ रहा है, आने वाले समय में देश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। आप सभी के उपस्थिति के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।